दूर संचार विभाग में 75 कर्मचारियों के वीआरएस के बाद बीएसएनएल की संचार सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। विभाग के पास अब महज 40 कर्मचारी ही बचे हैं। इनमें से कुछ ऑफिस का काम देख रहे हैं तो कुछ लोगों को एक्सचेंज की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बीएसएनएल की मोबाइल सेवा का बुरा हाल है तो ब्रॉडबैंड भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे में उपभोक्ताओं को बेहतर संचार सेवा देने का दावा करने वाला दूरसंचार विभाग पहले से ही कर्मचारियों का रोना रो रहा था। 2 से 3 हजार रुपए में गार्ड को रख कर उनसे काम चलाया जा रहा था। एक महीने पहले जिले में तैनात बीएसएनएल के जेई मुन्ना लाल, जेटीओ एल के मौर्य, केशियर एस एन द्विवेदी और अकाउंटेंट ऑफिसर ए के शुक्ला समेत 75 कर्मचारियों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। सभी को वीआरएस दे दिया गया था। एक साथ इतने कर्मचारियों के विभाग से हटाए जाने के कारण अब जिले में संचार की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तभी ब्रॉडबैंड काम नहीं करता है तो कभी मोबाइल से नेटवर्क गुल हो जाता है, बात करते करते उपभोक्ताओं का फोन कट हो जाता है। फौरन से इंटरनेट सेवा देने का दावा करने वाला बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को 2G का नेटवर्क भी नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। इसके चलते उपभोक्ता अब बीएसएनएल से किनारा कर और उसका नेटवर्क कटवा कर दूसरी प्राइवेट कंपनियों का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में मुसीबतों का सिलसिला अभी बीएसएनएल से हटा नहीं है। नेक्स्ट 9 टेक्स नाजमिन की रिपोर्ट।